अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक को तो आप सभी जानते होंगे, जो YouTube पर व्लॉगिंग करते हैं। और अरमान मलिक ने बयक वक्त दो शादियां कर रखी हैं, जिसकी वजह से इन्हें YouTube पर काफी शोहरत मिली है। अब इनकी बीवी पायल मलिक का बयान सामने आया है। पायल मलिक ने अपने ताजा तरीन व्लॉग में इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने शोहर अरमान मलिक से अलहदगी का फैसला कर लिया है। ख्याल रहे कि बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट और यूट्यूबर अरमान मलिक ने बयक वक्त पायल मलिक और कृतिका मलिक से शादी कर रखी है और इन्हें अपनी दो शादियों के कंटेंट की वजह से ही शोहरत मिली थी। ताहम अब पायल मलिक ने अपने एक व्लॉग में कहा है कि मैं इस ड्रामे और ऑनलाइन मिलने वाली नफरत से थक गई हूँ। जब तक ये मेरे बारे में था मैं ठीक थी, लेकिन अब मेरे बच्चों से नफरत की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं जानती हूँ कि गोलू जैद के बगैर नहीं रहेगी, इसलिए शायद वो उसे रख ले और मैं अपने 3 बच्चों के साथ चली जाऊंगी। उन्होंने कहा कि लोग इनकी इस शादी से खुश नहीं हैं और मैं अब मजीद नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझ पर शदीद दबाव है। उनका मजीद कहना था कि या तो हम तीनों अलग हो जाएंगे या फिर मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि क्या हो रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर नफरत, इतनी ट्रॉलिंग और इतनी ज़्यादा ज़्यादतियों का सामना नहीं किया जो अब कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है, हम बच्चों को इस चीज़ का सामना नहीं करने दे सकते जिसे हम खुद बर्दाश्त नहीं कर रहे। ख्याल रहे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने शोहर अरमान मलिक और उनकी दूसरी बीवी कृतिका के साथ बिग बॉस OTT 3 में भी हिस्सा ले चुकी हैं, जिसकी मेजबानी अनिल कपूर कर रहे हैं। बिग बॉस OTT 3 फॉर्मर कंटेस्टेंट पायल मलिक रिवील्ड इन हर लेटेस्ट व्लॉग दैट शी हैज डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम हर हस्बैंड अरमान मलिक। इट शुड बी नोटेड दैट बिग बॉस OTT 3 कंटेस्टेंट एंड यूट्यूबर अरमान मलिक इज मैरिड टू पायल मलिक एंड कृतिका मलिक एट द सेम टाइम एंड ही गॉट फेम फॉर द कंटेंट ऑफ हिज 2 वेडिंग्स। हाउएवर नाउ पायल मलिक हैज सेड दैट इन वन ऑफ हर व्लॉग्स दैट आई एम टायर्ड ऑफ द ड्रामा एंड हेट आई गेट ऑनलाइन। As long as it was about me, I was fine. But now my children are being hated. Pal was recently evicted from the TV reality show. She added, "I know Golu won't live without Seth, so maybe she will keep him, and I will go with my 3 kids." She said that people are not happy with their marriage, and I can't bear the hatred anymore. I'm under a lot of pressure. She further said that either we 3 will separate or I will leave. I know what is happening. I have faced so much hate, so much trolling and so much abuse in my life. Did not do it. I have decided we can't let children go through what we can't handle ourselves.